नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मधुमनी पेंटिंग के फिश बनाना सीखेंगे। मधुमनी पेंटिंग में बहुत तरह से फिश बनता है और उसे बहुत अलग अलग तरीकों से सजाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो मैं अभी बता रही हूँ ये बच्चों के लिए, बच्चे बहुत आसानी से बना लेंगे इसे। इस तरह से ऐसे बीचों बीच ऐसे, ये हो गया। इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे इसी शेप में दो तीन तरह का बनता है, वो मैं दिखाती हूँ। अभी ये किड्स के लिए है। बस ऐसे ऊपर से, फिर उसी तरह नीचे से, बहुत ही सिंपल है बनाना। आप घर पे बना सकते हैं इस तरह से, कुछ इस तरह से। आप इसको ऐसे ऐसे कर देंगे, बच्चों बच्चों के लिए है ये, इस तरह से। फिर ये ऐसे और ये ऐसे। तीन नंबर का जो है वो कुछ इस तरह है। बस इतना किया और यहाँ पे एक हार्ट शेप बना देंगे, इस तरह से हार्ट शेप बना देंगे। ये हो गया। ये सब तरीके हैं दो तीन। अब जो फिश बनेगा उसमें बनेगा इसी तरह से, बस एक आंख की तरह बना देनी है, आंख के जैसे ऐसे। ये आई की तरह हुई ना, बिल्कुल ये आई की तरह। और इसका ही ये अलग अलग है, किसी में इस तरह कर दिया जाता है इस तरह से, किसी में जो ये है उसे ऐसे भी कर दिया जाता है, किसी में ऐसे और ऐसे कर दिया जाता है पीछे। तो इसी तरह से किसी में जो पीछे का एरिया है उसमें ऐसे आधा चांद की तरह करके, फिर इसको भी दो तरह से ऐसे और ऐसे कर दिया जाता है। जो पीछे का पार्ट है वो ये होगा, बेस यही होगा, और बाकी इनमें एक दो तीन आप ये सब कुछ भी डाल सकते हैं, कोई सा भी। इसमें डिज़ाइन ऐसा है, ये पीछे ऐसे भी डाल सकते हैं, ये इस तरह से। तो ये सब पीछे में डल सकता है। तो ये तो हो गया बच्चों का सेक्शन। तो और इसको सजाएंगे कैसे वो हम आपको दिखाते हैं। मैंने पहले से सजा के रखा हुआ है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ये देखिए, ध्यान से देख लीजिए, इस तरह से लाइंस को डबल कर लेंगे, फिर ये वाला पार्ट बनाएंगे। ये वाला कैसे बनाएंगे, ये वाला इस तरह से, इस तरह से लाइंस डालकर और फिर इनको बारी बारी से मिला देंगे, ये इस तरह कर देंगे, फिर इसको डबल कर देंगे इस तरह से। तो ये ऐसे बन जाएगा ये। फिर ये छोटे छोटे फिश वाले हैं, जो ये तो नॉर्मल फिश की होती है, जो हार्ट वाला बताया मैंने उसको इस तरह भी सजा सकते हैं, इस तरह भी सजा सकते हैं, इस तरह से हार्ट वाले शेप का, तो इस तरीके से सजा सकते हैं। ये देखिए, फिर ये हुआ, एक ये डिज़ाइन है। एक बार इधर से ऐसे किया और फिर दूसरी बार इधर से किया, फिर ये हो गया। ये कमल का फूल बनाया और इसके बीच में ऐसे ऐसे लाइंस कर देंगे, ऐसे इस तरह से। तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। और कमल के फूल को कमल के फूल की तरह बिल्कुल सजा देंगे, जिस तरह कमल का फूल सजाया है। तो मधुबनी पेंटिंग में ये नहीं होता है कि जो एक्चुअल फिश जैसा होता है वैसा ही बनाना है, इसमें तो क्रिएटिविटी ही है बस। ये देखिए, इस तरह से सजा सकते हैं लाइंस देके, इस तरह से। इतने से बहुत सारे डिज़ाइंस हैं बच्चों के लिए, ये सब कर सकते हैं आप ट्राई। ये भी है देखिए, सिंपल सा सिर्फ डबल लाइन किया है। ये मैंने ब्लैक से किया है और ये मैंने रेड से किया है। इसी तरह आप ग्रीन से भी कर सकते हैं, ब्लू से भी कर सकते हैं। इस तरह की लाइन सुखा मैंने बनाया हुआ है झुंड। ये देखिए, ये भी है, कितना खूबसूरत है। तो ये है। अब आगे हम बड़ों के लिए बताते हैं कि बड़े कैसे बनाएंगे, और उसे मैं आप लोग को सजा के भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं।
इस तरह से बना देंगे और इसको ऐसे कवर कर देंगे। अब एक एरिया लेंगे, एरिया मार्क कर लेंगे कि फिश कितने दूर में बनाना है, किधर कर्व करना है। मछलियों को कर्व करके भी बनाते हैं और सीधा भी बनाते हैं। तो सीधा जो होता है वो तो सिंपल ऐसे होता है, ये ऐसे बनाया ये, और सीधे यूं इस तरह से बना दिया, ये सीधा हो गया फिश। चाहे इसे किसी भी साइड से बनाओ। और जो हम कर्व बनाते हैं वो फिश है, अगर हमें इसे थोड़ा घूमते हुए बनाना है, इस जैसे मैं दिखाती हूँ सैंपल, ये रहा मेरे पास, ये है जैसे इस तरह का हो गया फिश, जैसे ये हो गया इस तरह का है। तो ये कर्व बनाने के लिए जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी किसी तरह की मार्किंग की, लेकिन जब आप पहली बार बना रहे हो तो आपको मार्किंग की ज़रूरत होगी कि हम कैसे बनाएंगे। तो इसको सबसे पहले ऐसे ऐसे कर्व कर लेंगे बहुत आराम से कि हम मुझे इस एरिए में बनाना है। ध्यान रखेंगे जो पूंछ का साइड होगा वो कम होगा और जो ये एरिया होगा ये बड़ा होगा, ये यहाँ जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि ये बड़ा होगा और ये इसका एरिया कम होगा, ये ध्यान रखना। अब देखिए मैं मार्क जो मैंने मार्क किया उस पर मैं किस तरह ड्रॉ करूंगी। पहले जो कर्व वाला एरिया है वहां तक लेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी ये ले लिया, फिर मैंने ये दोनों डिस्टेंस दिया हुआ है, इसी पे इसको मोड़ लेंगे इस तरह से, इस तरह से। फिर ये देखिए इसको इधर घुमा दिया। अब जो ये बीच में लाइन है यहीं से इस तरह से इसको ले लेंगे और ये बन गया इस तरह से परफेक्ट कर्व, ये बना लेंगे इसी तरह। फिर दूसरा जो ड्रॉ करेंगे वो भी फिर वही करेंगे, उस ऊपर की तरह बनाना है तो ऊपर ऐसे कर्व कर देंगे इस तरह से। और फिर ये देखिए ये बहुत ही सुंदर सा कर्व आ जाएगा, ये मछलियों का झुंड आप इस तरह से बना सकते हैं। किसी भी सीन में पॉन्ड का सीन बनाना है, मछलियों का झुंड डालना है, तो इस तरह से आप ये देखिए ये भी बन गया ना, किस तरह से कितने अच्छे से बन गया, कितनी आसानी से बन गया है, नहीं है ना किसी तरह का कोई भी झंझट, कोई भी मेहनत। अब इसको बाद में इरेज कर देंगे जब हम इसको ड्रॉ कर लेंगे तो इन पेंसिल्स के मार्क्स को। ये मैंने अभी डार्क करके दिखाया क्योंकि आप लोग को दिखता नहीं कैमरे में तो इसलिए, लेकिन जब हम मार्क करते हैं तो बहुत ही लाइट चलाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे चलाते हैं, देखिए बिल्कुल ऐसे ऐसे, अभी मैंने ऐसे चलाया है तो ऐसे नहीं चलाते, बिल्कुल ऐसे चलाते हैं। इस तरह से करके इसको कर लेंगे। अब इसको सजाएंगे किस तरह तो वो अब मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ पहले से। ये देखिए ये है, ये वाली मछली मैंने अभी बताई है, आप देख रहे होंगे मेरे पास और भी मछलियाँ हैं। ये देखिए डिजाइन्स पर दिखाई देती हूँ, ये मैंने पहले से ड्रॉ कर लिया है ताकि ड्रॉ करते करते ज़्यादा टाइम ना हो। ये इस तरह से मछलियाँ मैंने बना लिया है, देख लीजिए आप इस तरह से इनको सजा सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी से अलग अलग तरह से। अभी मैं इसको सजा के दिखाती हूँ कि इसको कैसे सजाएंगे, इसमें लाइन्स करेंगे, कलरफुल कैसे बनाएंगे। ये इस तरह से या तो इसको पूरा लाल कर लेंगे या एक छोड़ के बाकी लाल कर लेंगे, और फिर जो ये बीच में एक बचा इनको ग्रीन से कर लेंगे, ब्लू से कर लेंगे, किसी भी कॉन्ट्रास्ट कलर से कर लेंगे, अलग अलग कलर मैच करके कर लेंगे। अब इसमें भी ग्रीन डाल सकते हैं, ये जो मैंने छोड़ा इसमें भी सिंपल सा लाइंस करें, लाइंस बहुत खूबसूरत लगती हैं। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से बहुत आसानी से ये कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इनको सजा लेंगे, ये हो गया, इस तरह से इसको सजा लेंगे।